इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर नाम से पता लग रहा है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल प्ले करेंगे, और वेव्स का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव्स हैं। अगर हम आज की टाइम में प्रैक्टिकल बात करें ईएम वेव्स कहाँ काम आती हैं, तो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन मिलाऊँ अभी, तो मैं फ़ोन कॉल करता हूँ, तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बैटरी है, वो एलसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, वो उसमें ऑसिलेशंस जनरेट करके किसी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके वेव जनरेट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3×10^8 से मूव करती है वो स्पीड, रेडियो वेव सीधा एंटीना तक जाती है, टावर तक, टावर से टावर, टावर से टावर, सेटेलाइट, कहीं भी दुनिया में आप जो है वर्ल्ड में अपनी कॉल कर सकते हो। और स्पीड देखो, आज अभी यूएसए में कॉल मिलानी है, अभी अभी लाइव कॉल मिलेगी, और 3×10^8 की स्पीड है, आप लाइव टेलीकास्ट लाइव कॉल कभी भी कर सकते हो, ठीक है? तो इतनी स्पीड है इसकी। खाना गर्म करते हो, माइक्रोवेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है माइक्रोवेव, ठीक है? धूप में आप खड़े हो, इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, विजिबल लाइट है ये सब, और एक्सरे, हॉस्पिटल में जाओ एक्सरेज हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी सबकी स्पीड 3×10^8 है। अब किसी ने सोचा था मैं आज एक्सरे बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो जो साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे बनाई, उसको खुद नहीं पता था ये क्या बन गया, उससे कौन सी रेज हैं जो शेडो डाल रही हैं, तो उसको खुद नहीं पता था, तो इसलिए उसने नाम पता है क्या रखा, एक्स। एक्स वेरिएबल पता ही नहीं, इसलिए इस नाम है एक्स रेज। वैसे ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, एक्स रेज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पता ही नहीं कौन सी रेज हैं, तो एक्स रेज, बाद में पता लगा ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है? तो अलग अलग दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डिस्कवरी करते हैं, तो किसी ने कैसे की, किसी ने कैसे की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने बता दी आपकी जगह जगह जो एप्लीकेशन हैं इसकी, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी ऐसे नहीं हुई थी कि कोई अगर ये सोचे कि मैं ईएम वेव आज बनाऊंगा ताकि मुझे मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, खाना भी गर्म करना है मुझे, मुझे रडार सिस्टम भी, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ पता ही नहीं था लोगों को ईएम वेव के बारे में। तो लोग तो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ, ये लॉ, वो लॉ, वो यहाँ तक तो डिस्कवरी हुई हुई थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। ये जो साइंटिस्ट मैक्सवेल था, ये भी अपनी तरह फिजिक्स पढ़ रहा था, और एम्पियर सर्किट लॉ इसने पढ़ लिया होगा उस टाइम, ठीक है? एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ के इसने एम्पियर सर्किट लॉ को चैलेंज किया। ये कहता है लॉ में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है, वैसे हमने भी पढ़ लिया, हमें तो फ्लॉ दिखा नहीं, पर चलो ये कहता है फ्लॉ है। फ्लॉ ये है, वो कहता है कि अगर मान लो एक मैं एक करंट कैरिंग वायर लूँ, और करंट मैंने इसको ऑन किया, करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है अभी, तो यानी कि कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, जब तक करंट चेंज हो रहा है कैपेसिटर पास होने देता है। तो एम्पियर सर्किट लॉ जब मैक्सवेल ने कहा मैं लगाना चाहता हूँ, तो उसने इस वायर के क्रॉस जब एम्पियर सर्किट लॉ में क्लोज पाथ लिया, और इस क्लोज पाथ में जब उसने बी डॉट डी एल लिया, उसे पूछा गया कि क्लोज इंटीग्रेशन क्या आंसर देगी, तो उसने कहा म्यू नॉट इनटू आई, क्योंकि यहाँ पर वायर थी, वायर में आई करंट था, और ये आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन उसने कहा कि ये पी और क्यू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, मैं एक क्लोज्ड पाथ कहीं मर्जी लूं जहां आई करंट है, उसने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ले लिया जहां वायर ही नहीं थी। अब वहां वायर तो है नहीं, उसने कहा कि देखो वायर नहीं है, अब मैं यहां पर अगर बी डॉट डी एल लगाऊंगा तो मेरा आंसर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या आएगा, जीरो। वायर तो है नहीं, करंट तो है नहीं, लेकिन फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हुई, क्योंकि करंट तो बाहर आया हुआ है, आए करंट तो कैपेसिटर ने पास करवा दिया, और अगर करंट पास हुआ आए तो यानी कि करंट यहां से तो गया है, करंट वायर में नहीं गया, वो कैसे गया वो आप देखो, लेकिन करंट तो गया है, और अगर करंट गया है तो एम्पियर सर्किट लॉ जीरो आंसर कैसे दे रहा है, तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो उसने एक आइडिया लगाया, आइडिया आपको भी पता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होगी, कैपेसिटर के ऊपर यहां पर प्लस और माइनस हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, जब करंट बढ़ रहा होगा चार्जेस बढ़ रहे होंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो इसमें, क्योंकि जब अगर मैं करंट को कांस्टेंट बोल दूंगा तो कैपेसिटर अलाउ नहीं करेगा करंट को पास करने के लिए, क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया उसमें करंट ही नहीं होगा, उसमें बात ही खत्म, क्योंकि कांस्टेंट करंट को कैपेसिटर अलाउ करता ही नहीं है पास होने के लिए, हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया। तभी उसने कहा करंट चेंज हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसने कहा कि करंट डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही कर गया, दिख नहीं रहा लेकिन वो चला गया यहाँ से यहाँ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में करंट ट्रेवल कर गया, उसने इस इमेजिनरी करंट का नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट उसने का करंट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब करंट जब डिस्प्लेस हुआ उसने इसकी वैल्यू भी दी हमें, उसने वैल्यू दी इस डिस्प्लेसमेंट करंट की एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इमेजिनरी करंट है और ये करंट जो है वो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में इमेजिन किया गया है, डिस्प्लेस हो गया। और ये क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज ना हो, फाई कॉन्स्टेंट हो, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, जीरो। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक? तो इस केस में ये आपका कौन सा करंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो मैक्सवेल ने कहा कि मॉडिफाई किया जाए एम्पियर सर्किट लॉ। उसने कहा बी डॉट डी एल अब हम किसी भी कैपेसिटर वाले सर्किट में भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी। जहाँ तो फिजिकल वायर है वहाँ तो लगेगा म्यू नॉट आई, जहाँ वायर नहीं है प्लेट ऑफ कैपेसिटर है वहाँ पर क्या लगेगा, म्यू नॉट इनटू आई डी। और वैसे मैं बता दूँ आई और आई डी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन देखने का फॉर्मूला अलग है। तो लॉ का नाम क्या किया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो ये मॉडिफिकेशन की गई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी इसमें यही लिखी हुई है। तो ये जो स्टार्ट है आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन मैंने आपको बताया कहाँ से हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ से। तो उसने प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ली और 1864 की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात, बहुत पुरानी बात है 1864। तो 1864 के अंदर एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो C1 यानी कि पहले जहाँ वायर है वहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ म्यू नॉट इनटू आई, और ऐसी जहाँ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वहाँ जीरो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये इक्वल होने चाहिए थे, ये एक्सपेक्टेड था, पर ये इक्वल हुए नहीं। तो ये इक्वेशन लॉजिकली क्या है, इनकंसिस्टेंट है, बराबर नहीं हुए। तो आइडिया किसका आया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू करंट विच फ्लो थ्रू अ रीजन सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। कह रहे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, डी फाई बाई डी टी जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें इसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू द प्ले इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो ये आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर आप कहते हो कि या आप ये सोच रहे होंगे कहानी खत्म हुई तो फिर कहानी का सार क्या है, निकला क्या, समरी क्या है, तो बताओ क्या बस एम्पियर सर्किट लॉ मॉडिफाई हो गया, खत्म हो गया? नहीं नहीं, काम तो एम्पियर सर्किट लॉ पे हो रहा था, ये तो कहानी सॉल्व हो गई। लेकिन इस कहानी के अंदर से एक और कहानी निकलाई। अब वो कहानी क्या है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आएंगे। इसको खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, और ये देखा गया, हमने फैराडे लॉ भी किए। फैराडे लॉ ने क्या सिखाया था, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो किसी भी कंडक्टर का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी तरीके से उल्टा भी ट्रू है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये सिमेट्री इन नेचर देखी गई यूनिवर्स में, सिमेट्री इन नेचर में। आप एक फील्ड को चेंज करते हो तो दूसरा फील्ड क्रिएट हो जाता है, आप एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरा फील्ड चेंज होता है, क्योंकि दो ही फील्ड हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से किसी फील्ड को जब चेंज करोगे दूसरा फील्ड अपने आप पैदा होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ऑब्जर्वेशन उसने देखी। अब हुआ क्या, जब ये ऑब्जर्वेशन उसने देखी और इसके ऊपर और काम किया, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, तो एक नई चीज देखने को आई। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो गया हवा में। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नई चीज, एक्सपेरिमेंट तो कुछ और हो रहा था, पर उस चक्कर में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो गया। तो नई चीज पता लग गई, हवा में अगर आप स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही फ्री में पैदा हो जाएगा। अब एक और नई चीज सुनो, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों चेंज हो रहे होंगे, एक पैदा करोगे दूसरा अपना पैदा हो जाएगा, और दोनों चेंज हो रहे होंगे इकट्ठे, क्योंकि ई चेंज करोगे तो चेंजिंग बी पैदा होगा, बी चेंज करोगे तो चेंजिंग ई पैदा होगा। तो जब दोनों फील्ड इकट्ठे होंगे और वो अगर ट्रैवल करना शुरू कर दें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी ट्रैवल करेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो ट्रैवल करना शुरू कर देती है क्या, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और कुछ नहीं है। और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, इसको मीडियम चाहिए नहीं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन वैक्यूम ऑल्सो। तो अगर फील्ड ट्रैवल करवा दिया जाए ई और बी तो वेव ट्रैवल कर गई, बात ही खत्म। तो ये देखा गया, इन्होंने और काम किया मैक्सवेल ने इसके ऊपर, तो उसने ऑब्जर्वेशन ये निकाली कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनोसाइडली चेंज करो, साइनोसाइडली का मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर नीचे कर दो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल चेंज कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, वो भी साइनोसाइडल नेचर था। जब आप ई को बढ़ाते हो बी भी बढ़ जाता है, ई को कम करते हो बी भी कम हो जाता है, ई को जीरो करते हो बी भी जीरो हो जाता है। तो सेम तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर पैदा हुआ। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब इकट्ठे चेंज हो रहे हैं तो ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, या ये दोनों फील्ड आगे ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस आगे ट्रेवल करने वाली एनर्जी को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करवानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव की प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव की प्रोपगेशन ऐसे है, वेव ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक ऐसे जाएगा, तो वेव ऐसे जाएगी। क्लियर है यहां तक, तीनों आपस में 90 डिग्री पे ही होंगे, कोई डाउट इसमें? तो तीनों आपस में 90 पे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन 90 पे होंगे, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल ने बताई कि ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट मारा है हमने, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट कहाँ से, कहानी सुना रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, चेंजिंग ई, चेंजिंग बी, फिर साइनोसाइडल चेंज करके देखा तो वेव जनरेट हुई, वेव जनरेट होनी चाहिए उसने ऐसा बोला, ठीक। तो ये हिस्ट्री बता रखी है इसने, उसने बताया कि इसके अंदर 1865 में फैराडे का पहले रेफरेंस दिया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो मैग्नेटिक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इट इज़ अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, उसने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम एट अ पॉइंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड देयर। तो बता दिया उसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप चेंज होगा, राइट। तो यानी कि एक फील्ड चेंज होने से आइदर फील्ड कोई भी चेंज करो दूसरा फील्ड अपने आप पैदा होगा और चेंज होगा, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन है, तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर दिस आइडिया लेट मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ईएम डिस्टरबेंस इन द स्पेस। तो वो फील्ड ही ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। तो इस वेव को, इस डिस्टर्बेंस को क्या नाम दिया, जो वैक्यूम में ट्रेवल कर जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बताया गया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ई एम वेव आर दोज वेव्स इन विच देयर इज अ साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे, ये प्रॉपर्टी कभी भूलना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है, और स्पीड बता रखी है कि किसी भी वैक्यूम के अंदर जब ई एम वेव ट्रेवल करती है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज अगर आप पुट करें वैक्यूम के लिए, अंडर रूट लें और डिवाइड करें, आंसर आएगा 3×10⁸। तो अगर आप मीडियम चेंज करें तो एप्सिलॉन और म्यू दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, तभी तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वाटर में ट्रेवल करती है, क्योंकि एप्सिलॉन और म्यू दोनों वाटर के डिफरेंट है। तो यानी कि मीडियम चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड चेंज होती है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये उसने बताया और ये हमने देख लिया 3×10⁸। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ई एम वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ई एम वेव की. पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. तो वो तो बता ही दिया मैंने कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी है ई एम वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. इसे अंडरलाइन कर लें प्लीज. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. क्वेश्चन आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, क्या एक स्टैटिक चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ई एम वेव जनरेट करता है? नहीं. क्या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज ई एम वेव जनरेट करता है? नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज करता है. तो ये ऑप्शन एक्सेलरेटेड चार्ज होगा. ठीक, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे चलता हुआ इलेक्ट्रॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करता है. इसलिए एक्सेलरेटेड चार्ज आंसर मार्क करना है. नेक्स्ट है ई एम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. ये भी हमें पता है मीडियम नहीं चाहिए. किसी भी वैक्यूम में इसकी स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, लेकिन अगर आपने मीडियम चेंज किया तो ये वैल्यूज चेंज होंगी और स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट है ई एम वेव ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. कि अगर मान लो क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरेगा तो बड़ा क्रेस्ट हो जाएगा, और अगर क्रेस्ट ट्रस पे गिरेगा तो दे विल कैंसल ईच अदर. हमने किया था प्लस वन में. तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एम वेव्स ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम एंड सेम पॉइंट इन स्पेस. अगर आपने किसी जगह पर ई को चेंज किया, उसी टाइम उसी पॉइंट पर बी भी चेंज हो जाएगा. अगर आपने ई को बढ़ाया तो बी भी बढ़ जाएगा. ई को जीरो किया, उसी टाइम बी भी जीरो हो जाएगा, विद इन नो टाइम चेंज हो जाएगा. तो सेम टाइम पे दोनों वैल्यूज चेंज होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें ई बाई बी की रेशियो सी है. मतलब अगर आप वैक्यूम की बात करते हो, वैक्यूम में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लो, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पर कोई वैल्यू होगी, वैसे तो चेंजिंग है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई बी की वैल्यू भी होगी. अगर आप ई और बी की वैल्यू को डिवाइड करें, आंसर स्पीड ऑफ ई एम वेव आएगी 3×10^8. पर अगर आपने मीडियम को चेंज किया तो ई और बी चेंज हो जाएंगे मीडियम से, तो फिर स्पीड भी चेंज हो जाएगी. पर पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर आपका नेक्स्ट इंस्टेंट पे ई डबल हो गया तो बी भी उस इंस्टेंट पर डबल होगा ही होगा, क्योंकि रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है एनर्जी इन ई एम वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. तो रादर जो अगर मैं एक स्पेस लूँ यहाँ पे, तो मैं अगर एनर्जी डेंसिटी लूँ, मुझे एनर्जी नहीं बोलना, एनर्जी डेंसिटी बोलना चाहिए. तो एनर्जी डेंसिटी लूँ इस रूम के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो आधी एनर्जी आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक की फॉर्म में और आधी मिलेगी मैग्नेटिक की फॉर्म में. तो एनर्जी डेंसिटी दोनों की बराबर होती है, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की निकाल लो चाहे मैग्नेटिक की निकाल लो, दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है. मीन्स दोनों की वैल्यू दोनों की सेम आएगी. आज हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे. नेक्स्ट है कुछ ई एम वेव दिखाई देती हैं, जैसे विजिबल लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड जो 3×10^8 से ट्रेवल करती है. विजिबल लाइट एक ई एम वेव है, ये दिखाई देती है, और देखने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को देखने के लिए. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइट अफेक्ट जनरेट नहीं करता कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, लाइट का वेक्टर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल लाइट अफेक्ट के लिए, देखने का अफेक्ट के लिए. मैग्नेटिक फील्ड कभी भी दिखाई नहीं दे सकता. ठीक है यहाँ तक? तो ये इसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए. आंसर जो क्वेश्चन आने हैं वो ऑब्जेक्टिव या मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे. जो आप सुनते जा रहे हो उसे मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते जाना, तो मेन मेन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा. नीट में तो पक्का ही आएगा प्रॉपर्टीज, मैच दी फॉलोइंग या कुछ ना कुछ थ्योरी पे आएगा, एनसीईआरटी में भी आएगा, मेंस में जबरदस्त न्यूमेरिकल आएंगे इसके. किस्मत अच्छी है तो मैच दी फॉलोइंग आ सकता है आपको भी, पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आने का चांस ज़्यादा है मेंस के अंदर. तो नेक्स्ट टाइम जब खत्म होगा तब करेंगे स्टार्ट. ठीक, प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव्स. प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव्स मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बार बार लिखी गई है. इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता, ई एम वेव जनरेट नहीं होगी. इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होते फिर टाइम के साथ, तो ईएम वेव जनरेट नहीं हो सकती। तो इसलिए एंड में बोलता है एक्सेलरेटेड चार्ज चेंजिंग इलेक्ट्रिक और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ईएम वेव जनरेट हो सकती है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स। बस ये पैराग्राफ में यही बात बता रखी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। जब हम ये बोलते हैं ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव में ऐसा बताया जाता है कि क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव ट्रेवल करती है। ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की प्रोपगेशन, ये हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर, और वेव की प्रोपगेशन इनके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर है। तो अगर आपसे पूछ रहे अगर व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इसका मतलब क्या है, आप बोलना तीनों चीजें आपस में 90 डिग्री पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स नेचर है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही बता रखा है डायग्राम के साथ भी कि साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और वेव की प्रोपगेशन आपस 90 डिग्री पे है, इसे ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। ठीक, तो ये ट्रांसवर्स नेचर को का मतलब ये है इसमें। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने का मैथमेटिकल प्रूफ भी है, पर मैथमेटिकल प्रूफ नॉर्मली आता नहीं है, तो हम एंड में जरूर करेंगे, दो चार स्टेप का काम है वैसे तो, पर हम अभी नहीं करेंगे, अभी वो पार्ट करेंगे जो आता है पेपर में, तो ट्रांसवर्स नेचर हम बाद में करेंगे। मैथमेटिकली लोगों ने प्रूफ किया हुआ है इट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर, और मैथमेटिकली एक एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे है और वेव की प्रोपगेशन भी 90 डिग्री पे है। तो अगर ये मैथमेटिकली बात प्रूव हो जाए, इसका मतलब ईएम वेव की क्या नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है। इसको हम बाद में करेंगे, हम थोड़ा इसको आगे चलते हैं। हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में रहा नहीं, ठीक नहीं आता ये। अब हर्ट्ज़ पहला साइंटिस्ट था जिसने लैब के अंदर पहली ईएम वेव्स पैदा करके दिखाई, तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल तो थ्योरी में बता रहा था, उसको लगता है। देखो साइंटिस्ट कम्युनिटी में बहुत लोग होते हैं, किसी का आइडिया होता है, किसी साइंटिस्ट को लगता है कि यार ये रिजल्ट मुझे लग रहा है ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट उसको कैच करता है और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करता है कि उसकी बात सही है। तो बिल्कुल वैसे ही मैक्सवेल ने थ्योरी में बताया कि उसको लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन उसने ईएमएफ जनरेट नहीं की थी, उसकी थ्योरी थी। इसकी थ्योरी को पढ़ के हर्ट्ज ने लैब के अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करके दिखाया, और उसने दिखाया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और वहाँ पे ईएम वेव भी जनरेट हुई। पहली ईएम वेव हर्ट्ज ने पैदा की थी, जनरेट करवाई थी एक्सपेरिमेंट में, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। हम अभी नहीं कर रहे, बस हमारे लिए तो दुनिया में ईएम वेव हो चुकी, पैदा बन चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी एंड में देखेंगे, दो लाइन में बता दूंगा, पर इतना वैसे आएगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें, हाँ यहां से आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। मैं आपको सात किस्म की ईएम वेव्स, मेजरली जो मेन ईएम वेव्स है उसका टेबल दिखाऊंगा, अभी लिस्ट बनवाऊंगा। उस सात ईएम वेव्स को अगर आप अरेंज करो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक ऑर्डर में, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ ईएम वेव्स ऐसी हैं जैसे विजिबल लाइट जिसको देखा जा सकता है, उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम है। सारा स्पेक्ट्रम विजिबल नहीं है, कुछ स्पेक्ट्रम विजिबल है। नेक्स्ट है मेन पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। मेन पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर पहली टाइप की ईएम वेव है गामा रेस। आप अंडरलाइन करते जाना, ये पेपर में आ सकता है कि कोई वेव कैसे पैदा की जा सकती है। तो पहला रूल गामा रेज का न्यूक्लियर ओरिजिन है, अंडरलाइन करो न्यूक्लियर ओरिजिन है।
गामा रेज अगर आप सोचें कि कोई इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट कर देंगे या केमिस्ट्री लगा देंगे, गामा रेज प्रोड्यूस होंगी? नहीं होंगी, कोई मशीन नहीं है। गामा रेज पैदा करने के लिए आपको बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक करना ही पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सुना है ना रेडियो एक्टिविटी? तो यूरेनियम जैसे न्यूक्लियस जब ब्रेक होते हैं छोटे में फिजन, तो रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी होती है तो न्यूक्लियस जब बड़े से छोटा बनता है तो गामा रेज एमिट करता है। आएगा मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो यही है, हम यही पढ़ते हैं। तो गामा रेज, तो इसका मतलब इसका क्या ओरिजन है? न्यूक्लियर ओरिजन है। इसकी वेवलेंथ की रेंज भी है, ये हम यहाँ से नहीं करेंगे, एंड में मैंने टेबल बना रखा है वहाँ से करेंगे, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट रेज है एक्स रेज। एक्स रेज अटोमिक ओरिजन है। अटोमिक ओरिजन का मतलब है न्यूक्लियस ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के आसपास जो करीब होते हैं, अगर मैं किसी तरीके से बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर दूं एक एटम के अंदर, और आउटर इलेक्ट्रॉन की जगह अंदर के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दूं कि वो एक्साइट हो जाए, जबकि होता नहीं है, होता आउटर है, लेकिन मैंने इनर करवा दिया। जब इनर करवा दिया के शेल के, तो फिर उसके अंदर जब एक्साइटेशन से नीचे जाएगा एक्सरेज बाहर निकालेगा। तो बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, क्योंकि इनर के इलेक्ट्रॉन निकालने आसान नहीं होते, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम निकाल दें तो एक्सरे जनरेट हो जाती हैं। तो इससे इसका ओरिजिन क्या है? अटोमिक है, न्यूक्लियस नहीं टच करना, अटोमिक ओरिजिन है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आर प्रोड्यूस व्हेन टारगेट ऑफ एलिमेंट हैविंग अ हाई अटोमिक नंबर इज बम्बार्ड विद द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अंदर के जाके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है तो एक्सरेज निकलती हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेस, दीज आर पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। तो फ्री में मिलती हैं, सोलर जो लाइट आ रही है उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेस तो है ही है, लेकिन लैब में अगर प्रोड्यूस करनी है दे कैन बी प्रोड्यूस बाय द आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन। आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन क्या होता है? आर्क्स क्या होती हैं? करंट की रॉड्स, करंट जनरेटेड रॉड्स, या आपने वो देखा होगा वेल्डिंग वाले देखे होंगे, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं चिंगारियां निकलती हैं ब्लू कलर की, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, आंखों पे काले चश्मे लगाते हैं, अल्ट्रा वो आर्क है, आर्क है, बिजली के आर्क्स हैं। तो अगर आप आयरन लोहे और इसके जो है आयरन के और मरकरी के आर्क्स लेंगे, स्पार्किंग जो होगी उससे ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी। तो नेक्स्ट है, और ऐसे भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन एंड ज़ीरोन गैस, ये भी दूसरा तरीका है। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो है एक जो है नैरो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट इज एमिटेड ड्यू टू अटोमिक एक्साइटेशन। तो जो विजिबल लाइट है, जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एंड के होते हैं उनको एक्साइट करके जब नीचे लेके आते हैं तो विजिबल लाइट बाहर निकलती है, क्लियर है, वो तो आपने सीखा हुआ है। इसमें इंफ्रारेड रेस, तो जो ये हीट लिखो, करेक्शन करो, दीज आर एच ई ए टी, हीट रेडिएशंस, दीज आर हीट रेडिएशन। तो ये हीट रेडिएशंस हैं, और कोई भी हॉट बॉडी ले लो, गर्म करके बॉडी को छोड़ दो, उसमें सेक निकलेगा, वो सेक नहीं है, वो इंफ्रारेड रेस है। कोई भी हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेस। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। एलसी ऑसिलेशंस मैंने करवाई थी, एनर्जी को अगर ट्रांसमिट करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वहाँ से ईएम वेव निकलती है, आने वाले टाइम में बताऊँगा। तो हर्ट्ज ने यही किया था, एलसी ऑसिलेटर को यूज़ करके ईएम वेव बाहर निकाली थी। तो इसने तो ऑसिलेटिंग एलसी ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेशन से माइक्रोवेव जनरेट हो सकती है। ऐसी रेडियो वेव भी ऑसिलेटिंग सर्किट से जनरेट हो सकते हैं, एलसी ऑसिलेशन से रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों जनरेट हो सकती हैं। तो हमने इन पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा? सोर्स क्या है, बस, ठीक। नेक्स्ट है यूजेस, क्या फ़ायदे हैं, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएंगे। तो रेडियो और माइक्रोवेव से स्टार्ट कर रहा है, रेडियो और माइक्रोवेव की पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है। पहली प्रॉपर्टी है रेडियो या माइक्रो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, रेडियो वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट की तरह ये भी करते हैं, ये डिफ्रैक्ट होते हैं ऑब्स्टिकल कमिंग इन देयर पाथ, डिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स का फिनोमेना है। डिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड होना कॉर्नर से, एक पहाड़ आ गया, रेडियो वेव जा रही है सीधी, पहाड़ के चोटी से टकराई, बेंड होके ऐसे चली गई, जाना था ऐसा टेंजेंशियल पर टक्कर होने से ऐसे चली गई, इसको डिफ्रैक्शन। तो ये भी ये फिनोमेना शो करती हैं। नेक्स्ट है
माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट विच इज़ एब्जॉर्ब बाई मैटर, भाई जिस मैटर को माइक्रोवेव मिले वो गर्म हो जाता है और हम खाना ऐसे तो गर्म करते हैं अपना माइक्रोवेव से। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पसेस और दे आर यूज टू ट्रांसमिट रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, जितने भी हैं रेडियो वेव से चल रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेव से चल रहा है और माइक्रोवेव दोनों से चलता है। रेडियो वेव्स आर यूज इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, तो जो भेज रहे हैं चंद्रयान ये वो सब क्या है, रेडियो वेव से ट्रांसमिशन हो रहा है सारा 3 to 10 की ऑपरेट की स्पीड। माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार सिस्टम, जितने रडार सिस्टम है माइक्रोवेव के ऊपर बेस्ड हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर माइक्रोवेव भी यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव भी यूज करती है, रेडियो वेव माइक्रोवेव दोनों यूज करती है, कोई भी यूज करती है। माइक्रोवेव ओवन आर यूज फॉर कुकिंग। माइक्रोवेव्स आर यूज इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी वालों ने यह क्वेश्चन डाला था कौन सी वेव जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए काम आती है, आप अंडरलाइन कर लें माइक्रोवेव, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई माइक्रोवेव, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंफ्रा, इंफ्रा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी सेम है, इनकी स्पीड 3 to 10 की पावर 8 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन भी शो करती हैं, ये भी वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेन है। इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव का सुपर इम्पोज होना, तो ये सुपर पोजिशन शो करती हैं। पोलराइजेशन एक बड़ा फिनोमेन है, पोलराइजेशन हम लाइट की स्टडी करेंगे। पोलराइजेशन मैं एक सिंपल प्रोसेस से समझाता हूँ, आपके पास एक रस्सी है, आप रस्सी को हर डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो वेव ऐसे भी जा रही है हर तरफ से जा रही है, साइन वेव ऐसे भी आ रही है हर तरफ से आ रही है। आप चाहते हैं कि वाइब्रेशन सिर्फ ऐसे रह जाए बस, तो आपने एक फिल्टर लगा लिया, ये लाइंस में से वेव ट्रेवल करेगी, रस्सी यहाँ से पास कर दी, तो जो वेव ऐसे जा रही है वो तो पास हो गई, जो ऐसे जा रही है देखो फिल्टर होगी कट गई, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो अगर जो हमारी लाइट है सनलाइट है वो हमारी आँखों तक अगर बहुत तेज सनलाइट सन को देख रहे हो ना, तो लाइट ऐसे ही आ रही है, वो ऐसे वाइब्रेट भी कर रही है, वैसे भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है, साइन वेव ऐसे हर तरफ से आ रही है। और आप धूप में चश्मे लगाते हो ताकि ग्लेयर ना पड़े, रेबैन के या कोई और कंपनी के, तो वो उसमें पोलराइड्स लगे होते हैं, वो पोलराइड्स जाली की तरह काम करते हैं, तो उसमें से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वेव्स को, सारी वेव्स आँखों तक नहीं आती, कुछ वेव्स ही आँखों तक आती हैं, तभी तो आपको काफ़ी उसमें जो है क्लाउडी दिखता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी कम कर देती है, आँखें खराब ही नहीं होती, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये वेव भी ऐसा फिनोमेना शो करती हैं, हम आने वाले टाइम में सीखेंगे इसे। व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन अ मैटर दीज रेज प्रोड्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करती हैं। मॉलिक्यूल जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी ऑफ दीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं इससे। दे आर स्कैटर्ड लेस कंपेयर टू द विजिबल लाइट, हैंस इंफ्रारेड रेज कैन ट्रेवल थ्रू लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमोसफेयर अंडर द कंडीशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। सेटेलाइट के अंदर या डिस्कवरी के अंदर आपने देखा होगा रात के कैमरा रात को फोटो खींच लेते हैं, कैसे, इंफ्रारेड रेज, तो इंफ्रारेड रेज कैमरा लगे होते हैं, तो वो लाइट नहीं चाहिए उनको गर्मी चाहिए, तो क्योंकि जो बॉडीज एनिमल की उनके अंदर हीट निकलती है, वो हीट से फोटो खींच लेते हैं। अगर आप देखो एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल, वहाँ आपको थर्मल कैमराज मिलेंगे, वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। वो क्यों लगे हुए हैं, बंदे को कोविड है, उसने गोली खा ली बुखार की, वो कहे बुखार तो है नहीं मेरी, टेस्टिंग क्या करेंगे, चल पड़ते हैं। अब जैसे ही कंट्री के अंदर एंटर करोगे वो आपकी हीट की अंदर की हीट की इमेज ले लेंगे, तो जहाँ आपको गर्मी दिखेगी उन्हें बॉडी के अंदर, वो पकड़ लेंगे इसको बुखार है, तो वहाँ पर वो थर्मल कैमराज काम कर रहे हैं। थर्मल कैमराज ये सब इंफ्रारेड रेज कैमराज हैं, ठीक, हीट की हेल्प से काम करते हैं। एप्लीकेशंस हैं इंफ्रारेड रेज फ्रॉम सन कीप द अर्थ वार्म एंड हेंस लाइफ के लिए ये यूजफुल है। कोल्ड डिपॉजिट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट फूड, वो कह रहे हैं जी लकड़े बहुत पहले फॉरेस्ट दब गए थे मिट्टी में, बहुत अर्थ के अंदर चले गए थे, फिर गर्मी हुई अर्थ के अंदर, फिर कोयला बना, तो इंफ्रारेड रेज चाहिए होंगी उसे कोयला बना। नेक्स्ट है यूज इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स। फोटोग्राफ्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर काम आता है, क्यों, क्योंकि बीच में क्लाउड्स हैं, लाइट तो अगर लाइट से कैमरे से खींचेंगे तो क्लाउड की फोटो आएगी, तो इसमें अंदर तक की फोटो आएगी, वो हीट से काम करता है, वो लाइट से काम नहीं कर रहा। यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ अंडर द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फूड, अंगूर लेके आए सुखा लिए धूप में, इंफ्रारेड रेज डाल दी, किशमिश बन गए, तो ये इंफ्रारेड डिहाइड्रेटेड फूड ये तो होते हैं, सुखा लिए तो बस ये बन गया, डिहाइड्रेटेड फूड बन गए, ठीक है।
दीज रेज आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सेटेलाइट्स. ऑब्वियसली वो आज वो भी गए एक और सोलर, वो सन को स्टडी करने के लिए L1 सरफेस पे, L1 उस पर आज एक इसरो ने सेंड नहीं किया एक और सेटेलाइट सन को स्टडी करने के लिए गया आज, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? इंफ्रारेड रेस. वहाँ तो बरबार है, इंफ्रा इंफ्रा है, जितना मर्जी लेते रहो इंफ्रारेड रेस. ठीक है, दीज रेज आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स. मोच आ गई, घर वाले कहते हैं जी सेक दे लो, सेक ना दे लो, इंफ्रारेड रेस दे लो, तो उससे ठीक हो जाती हैं. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस. अल्ट्रा वायलेट रे की वही प्रॉपर्टी 3×10^8, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी करते हैं, इंटरफेरेंस ये भी करते हैं, पोलराइजेशन ये भी करते हैं. ये जिस मेटल पे गिरते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूवी रेस से होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस से किया जाता है. ठीक, दे कैन अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं. तो ये रेस कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, ग्लास से नहीं पास करते, पर क्वार्ट्स फ्लोराइड रॉक साल्ट से पास होती हैं. हम कहते हैं धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलेगा, तो ये देखो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको सिंथेसाइज करती है और विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, तो इसे धूप में बैठ के विटामिन डी मिलेगा. ये रहा एप्लीकेशन है. मिनरल सैंपल को चेक करने के लिए काम आती है, कॉजिंग फ्लोरसेंस, तो अल्ट्रा वायलेट रेज स्कैनर्स के अंदर काम आते हैं नॉर्मली, तो फ्लोरसेंस की प्रॉपर्टी से पकड़ लेते हैं कि क्या मिनरल सैंपल है. अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर भी काम आता है. दीज रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड हैंस यूज फॉर स्टेलाइजिंग दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है, आर ओ बेचती है हेमा मालिनी, कहती है कि शुद्ध पानी पियेंगे, क्यों? यूवी फिल्टर लगा हुआ है, यूवी फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे ऐड करते हैं. यूवी फिल्टर क्या करेगा, बैक्टीरिया किल करता है, आप पानी पी सकते हैं. ये देखो आ गया ना, बैक्टीरिया किल करता है, और मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेलाइज करने के लिए काम आते हैं. फोटोग्राफिक अफेक्ट के लिए काम आते हैं. एक्सरेज, एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है. एक्सरेज वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं. एक्सरेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन पर कोई असर नहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का. ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, ये आयनाइज कर देती हैं गैस को जिसमें से ये पास होती हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं यूवी की तरह. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और इन डूइंग सो दे कास्ट द शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग देयर पाथ. तो जैसे एक बोन है, एक्सरे जब गिरी तो इसकी शेडो बोन की सामने गिर देंगी, तो जब सामने गिरेगी वो शेडो की फ़ोटो ले लेंगे, एक्सरे आ गया, तो वो हड्डी की फ़ोटो नहीं है, हड्डी की शेडो की फ़ोटो है, तो दिखा होगा एक्सरे, तो एक्सरे आ गया. ठीक, तो ये एक्सरे लेने के काम आएंगी. दे कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सब ये भी सब करती हैं, वेव ऑप्टिक सारे फिनोमेनास शो करती हैं. दे कैन पेनीट्रेट दी मटीरियल्स, तो पेनीट्रेशन जो है बोन्स और हैवी मेटल्स के अंदर क्रैक है उसका एक्सरे किया जाता है. रेलवे लाइन के अंदर क्रैक है, अब क्या रेल खोल के तुम देखो क्रैक है कि नहीं, तो चेक किया जाता है एक्सरे कर करके कि क्रैक है कि नहीं. दे हैव इंजरियस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडीज, पता ही है कि ह्यूमन बॉडीज के ऊपर इंजरियस इफेक्ट है, इसकी प्रॉब्लम है. एप्लीकेशन सर्जरी के अंदर, फ्रैक्चर्स के अंदर, डिजीज ऑर्गन देखने के लिए एक्सरे लिया जाता है. कंट्रोल्ड एक्सरे स्किन डिजीज के लिए काम आता है, स्किन डिजीज ट्रीटमेंट के लिए. इंजीनियरिंग वाले यूज़ करते हैं क्रैक्स या फ्लॉज के लिए कहीं पर. दे आर ऑल्सो यूज डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, वो एक्सरे करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए. इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग द पर्ल्स इन ओरिएस्टर्स, फॉर टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल्स और डिफेक्ट्स, रबर टायर के अंदर क्या डिफेक्ट है एक्सरे लिए देखा जा रहा है. यूज इन इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का एक्सरे लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे लिया जाता है. डिटेक्टिंग चेंज इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स में एक्सरे लिया जाता है, अंदर से कुछ चेंज तो नहीं हो गया, और बहुत है प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है गामा रेज. गामा रेज हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, सेम इनकी जो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है नया. और दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दीज रेज नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस वेन दे फॉल, एंड दीज रे प्रोड्यूस हीटिंग अफेक्ट इन द सर्फेस एक्सपोज टू देम. एप्लीकेशंस में रेडियोथेरेपी के अंदर काम आता है, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर गामा रेज काम आता है. तो फूड इंडस्ट्री में सॉफ्ट गामा रेज आर यूज टू किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम आता है. प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस काम आता है. तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपने सुन ली, हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, पढ़नी तो है ही है, पर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है. बढ़िया लगा, ठीक, क्योंकि वैसे तो पढ़ी नहीं जानी, अब एटलीस्ट सुन तो ली, कुछ तो आइडिया हो ही गया.
नेक्स्ट, अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या कुछ है ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन एटमॉस्फेयर के अंदर, इसमें प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स के अंदर चलते हैं और हम निकालते हैं हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन में ये आपको चेक करना पड़ेगा हाइट ऑफ एंटीना सीबीएसई में है कि नहीं। पहले तो आता होता था और मेंस में तो और नीट में तो आज भी आता है। तो हाइट ऑफ एंटीना का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। मान लो ये अर्थ की सरफेस है, रेडियस इसका आर है सेंटर से, हाइट ऑफ एंटीना एच है, एंटीना हर तरफ सिग्नल को फेंक रहे हैं, लेकिन जो आखिरी बंदा जो सिग्नल को ले पाएगा वो टी पे बैठा हुआ है, क्योंकि सिग्नल तो स्ट्रेट जाना है। यहाँ पे अर्थ गोल हो गई तो यहाँ का बंदा तो सिग्नल ले नहीं पाएगा, तो ये आखिरी बंदा है। इसका मतलब ये जो क्यू टावर है, मतलब टावर की हाइट है, जो सिग्नल ये रिलीज करेगा वो डी रेडियस में करेगा, उसको डी रेडियस में करना चाहिए, क्योंकि डी से ऊपर करेगा फ़ायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके बाद तो जाने का, यहाँ तो लोग रहते नहीं, यहाँ सिग्नल भेज के क्या करेगा, पर भेजना पड़ेगा क्योंकि सिग्नल को हर तरफ जाता है, तो वो ये डी डिस्टेंस मेजर करेगा। तो रेडियस ऑफ सिग्नल क्या होगा, इसमें डी होगा, अर्थ का रेडियस नहीं, सिग्नल का ट्रांसमिट करने का रेडियस डी लेना है, राइट। तो इसके अंदर डी रेडियस हो गया। अगर आप, मुझे पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं तो क्या बनेगा, एच प्लस आर का स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मैंने पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर और डी स्क्वायर। ये कट गया, ये कटने के बाद ये टर्म आ गई। अब रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा होता है, 6400 किलोमीटर्स, और एच उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों टर्म में से इसको निगलेक्ट कर दिया, इन दोनों टर्म में से इसको निगलेक्ट कर दिया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ टू आर एच। तो ये फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टू आर एच याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि टीवी कम्युनिकेशन वाले सिग्नल को फेंक रहे हैं, कितने एरिया में फेंक रहे हैं, पाई डी स्क्वायर में फेंक रहे हैं, तो डी की वैल्यू मुझे पता है, तो वो आपको अर्थ पे किसी लोकेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी देंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कितने लोग रह रहे हैं और कितने एरिया में रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को एरिया कवर्ड ऑफ सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, इतने लोग सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, आपको एच निकालना है। अगर टीवी टेलीकास्ट को इतना रेडियस कवर करना है तो ये क्या गिवन है, डी। अर्थ का रेडियस आपको गिवन है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है, तो कितने लोगों ने सिग्नल को सुना या देखा ये भी बताओ। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया वो फॉर्मूला ये करवाया, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू आर इंटू एच। इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी। आपको इसमें डी पता है, आपको इसमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, आंसर। तो हाइट ऑफ एंटीना आ गई। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कवर्ड में पाई डी स्क्वायर को पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या जाएगा, पॉपुलेशन कवर्ड। ठीक है, तो ये थ्योरी है और इसका एक न्यूमेरिकल है, बस ये सेम ही न्यूमेरिकल आता है अगर आया, वैसे आता नहीं है बट इसलिए एक न्यूमेरिकल इससे करा दिया, अगर आ जाए कम से कम पता हो कि क्या करना है। ठीक, तो इसके बेस पे जैसे जो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो बचपन पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड रेज आएंगी वो ट्रैप हो जाती हैं, अर्थ का सरफेस गर्म रखती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट सेम है, आज भी वही है, पहले भी वही था। नेक्स्ट है इसके अंदर एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, वही यूवी रेज को ट्रैप करके रखती हैं, बचा के रखती हैं, ओजोन लेयर की एप्लीकेशन है। इसके अंदर जो आपने करना है ये सबसे काम की चीज़ है, नीले रंग है तो ये एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब से टेबल लिया हुआ है, आपने ध्यान से देखा क्या करना है। इसमें से पेपर में से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ये कहेगा अरेंज द फॉलोइंग वेव्स, उल्टी सीधी करके देगा, अल्ट्रा लाइट इंफ्रा चार दे देगा कोई भी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आप ऐसी सीक्वेंस याद रखें, इस सीक्वेंस में रेडियो से लेके रेडियो माइक्रो इंफ्रा लाइट अल्ट्रा एक्स और गामा, अगर आप ध्यान से देखें वेवलेंथ बड़ी है, कम 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 और कम, तो एरो बनाएं इस पे, इस तरफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, लिखें एरो बना के
डिक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में ये है। डिक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो आपको अगर ये चार्ट याद है तो आप बता सकते हैं कि कैसे अरेंजमेंट करना है। इससे भी वर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा, वो कहेगा कि जी वेवलेंथ जो है ना वो मान लो 50 नैनोमीटर है। अब 50 नैनोमीटर इसके बीच में लाई करती है तो कौन सी वेव होएगी? इन्फ्रा होएगी। इसमें तो याद ही करना पड़ेगा आपको, तो रेंज भी याद करनी पड़ेगी अंदाजे से किसकी वेवलेंथ किसके साथ कॉरस्पॉन्ड करती है, ठीक है। उसके बाद इसने प्रोडक्शन बताई कैसे पैदा होती है, हमने भी की प्रोडक्शन, हमने थोड़ी इजी की, इसने थोड़ा अलग तरीके से बताया। कह रहे रेडियो वेव कैसे पैदा होती है, हमने किया एलसी ऑसिलेशंस, तो इसने कहा रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, एरियल का मतलब एंटीना, एंटीना के अंदर एक्सेलरेट करवाया जाता है इलेक्ट्रॉन को और रिटार्ड करवाया जाता है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव। तो ये भी नोट कर लो, एनसीईआरटी का है तो ये नोट कर लेना। माइक्रोवेव के लिए क्लिस्ट्रॉन वेव या मैग्नेटोट्रॉन वेव, मुझे नहीं पता है क्या होता है, नेट पे मशीन स्टडी करनी पड़ेगी, हम एलसी ऑसिलेशन लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से, ये नोट कर लो। इंफ्रारेड रेज, वैसे हमने कहा था कोई भी गर्म बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज, आप नोट कर लो कोई बात नहीं। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, लाइट में व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ये हमें पता है। अल्ट्रावायलेट रेज में इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना, अल्ट्रावायलेट रेज निकालना। एक्स रेज में एक्सरे ट्यूब चाहिए या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, और नीचे गिरने से भी एक्सरे भी जनरेट होती हैं, एक्सरे भी और अल्ट्रावायलेट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से होते हैं। गामा रेज में रेडियो एक्टिव डिके, गामा रेज न्यूक्लियर ओरिजिन है बताया था मैंने, जब तक न्यूक्लियस टूटेगा नहीं गामा रेज नहीं निकलेंगे, तो ये इसका याद करना है। डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट करें कि सिग्नल रेडियो वेव है कि नहीं, एंटीना रिसीवर एरियल ये डिटेक्ट करेगा। डायोड्स, हमें किए नहीं डायोड, डायोड से पता लगता है। इसमें फोटोग्राफिक फिल्म याद कर लो इंफ्रारेड रेज के लिए, लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक लाइट तो आए, आँख से पता लग जाती है लाइट है तो आए, ठीक है। और इसके लिए अल्ट्रावायलेट के लिए फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्ट करती है। एक्सरे के लिए कोई फोटोग्राफिक फिल्म ले लो, फोटोग्राफिक प्रॉपर्टी लिख दो कोई भी, किसी भी प्रॉपर्टी से पता लग जाएगा, और सबसे बेस्ट है फोटोग्राफिक फिल्म, उसने अफेक्ट कर दी तो डिटेक्शन हो गई, बात ही खत्म है। तो मतलब बेसिक बेसिक ये टेबल याद करना है। फिर आपने ये भी याद करना है, पूरे स्पेक्ट्रम में से विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। विब ग्योर का पैटर्न है, विब ग्योर में कितनी वेवलेंथ से कितनी वेवलेंथ में ब्लू ग्रीन येलो और ऑरेंज और रेड लाई करता है, वेवलेंथ ऐसे याद करना है, ठीक है। यहाँ तक गामा पीछे, डू का मतलब सेम कॉपी, ठीक। एनर्जी कैरीड बाय ईएम वेव, ये है नहीं आपने, मैं इसमें नोट नहीं किया, इसे नोट करें खाली पेज पे। लास्ट टॉपिक है एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये रही, सॉरी एनर्जी डेंसिटी ये रही इलेक्ट्रोस्टैटिक की, मैग्नेटिक की एनर्जी डेंसिटी लास्ट टाइम प्रूव की थी, दोनों फॉर्मूला लिखें। किसी भी ईएम वेव में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है।
ठीक है, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ये ना लिखना प्लीज, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। सी का ये फॉर्मूला था, इसे स्क्वेयरिंग करो तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट रेसिप्रोकल लेके 1/c² आएगा, और ई बाई बी तो वैसे ही सी था, सी स्क्वेयर, तो आंसर आएगा 1। तो एनर्जी डेंसिटी दोनों में क्या है, सेम। ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि ई एम वेव के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, सेम, हाफ हाफ।